आज वसीयत पढ़ी जानी थी समाज के सभी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में। समीर अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ आस लगाए खड़ा था। आज उसके भविष्य की नींव रखी जानी तय थी। खड़े खड़े उसके दिमाग में हलचल हो रही थी। दिमाग में हो रही हलचल ने उसे अतीत के पन्ने कुरेदने पर मजबूर कर दिया। मात्र 10 वर्ष की उम्र में माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी माँ अपने साथ साथ एक बेटा भी लाई थी, राज, जो उम्र में उससे 2-3 वर्ष बड़ा था। समीर को नई माँ को सौंप पिताजी निश्चिंत हो गए। पिताजी का पूरा ध्यान अपने काम पर होता था और नई माँ का पूरा ध्यान भाई राज पर। माँ की मृत्यु ने अचानक से उसे बड़ा बना दिया था। वह किसी को भी परेशान नहीं करता। नई माँ जैसा कहती वो वैसा चुपचाप करता था। बड़ा भाई राज इंजीनियर बन गया। उसकी शादी हो गई और वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर चला गया। अब घर में माँ, पिताजी और समीर थे। समीर ने माँ से कभी कुछ ना मांगा। उसने अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें, अपनी पढ़ाई ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर पूरी की। वो भी इंजीनियर बनना चाहता था, आगे पढ़ाई करना चाहता था, पर सरकारी शिक्षकों की भर्ती के आवेदन पत्र निकले तो उसने दोस्तों के साथ भर दिए। नतीजा आया और उसे नौकरी मिल गई। वो सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गया। तबादले के चलते उसे भी दूसरे शहर जाना पड़ा। तब माँ ने पिताजी से कह उसकी शादी करवा दी। शादी के 1 हफ्ते बाद जब समीर ने पुनः नौकरी पर जाने की बात कही तो माँ ने कहा, समीर तुम आते जाते रहना, नई नई बहू है, हमारे पास ही रहेगी। समीर क्या कहता, चुपचाप माँ की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ पुनः काम पर लौट आया। जब आसपास की महिलाएं भाई राज की पत्नी के बारे में पूछती, माँ हमेशा यह कहकर टाल देती कि राज को रोटी पानी में तकलीफ होती है, इसलिए उसकी पत्नी उसके साथ रहेगी। समीर अपना काम खुद कर लेता है, इसलिए उसकी पत्नी हमारे साथ रहेगी। फिर इतने बड़े घर में हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे, हमारी सेवा के लिए भी तो कोई हो ना। 14 वर्ष तक समीर और उसकी पत्नी ने जी जान से माँ बाबूजी की सेवा की। छुट्टियों में समीर मिलने आता रहता था और अपनी संपूर्ण मासिक आय माँ के हाथ में रख देता था। वह खुद अपनी छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर करता था। वो खड़े खड़े सोच रहा था कि आज उसे उसकी सेवा का फल मिलने वाला है। अचानक 4-5 दिन पहले बड़े भाई का फोन आया। पिताजी अस्वस्थ हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी घर आ जाओ। जैसे ही घर पहुंचा, पिताजी ने उसे टकटकी लगाकर देखा और सिर्फ इतना ही कहा, आ गया। और फिर उनकी वाणी ने हमेशा के लिए विराम ले लिया। शाम तक उनका देवलोक गमन भी हो गया। तभी वकील साहब की आवाज सुन समीर की तंद्रा भंग हुई। वसीयत अनुसार वकील साहब कह रहे थे कि समीर की पढ़ाई लिखाई व उसकी पत्नी बच्चों के भरण पोषण पर ढेर सारी धनराशि खर्च हो गई है। उसके हिस्से का धन उसके परिवार पर खर्च हो चुका है, अतः समीर को जायदाद से बेदखल किया जाता है। चुपचाप नजर झुका समीर सब सुन रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पिताजी कभी भी इस तरह की वसीयत लिख सकते हैं। पर ऊंची आवाज में बात करना, विरोध करना उसके संस्कारों में नहीं था। समाज के सभी गणमान्य लोग भी आपस में कानाफूसी करते रहे, पर खुलकर कोई सामने नहीं आया। भाभी का भाई जो पेशे से वकील था, उसके सामने समीर की हार हो गई। राज की पत्नी जो कभी सास ससुर के साथ ना रही, अचानक से बोल पड़ी, भैया हम तो मकान बेचकर माँ को अपने साथ ले जाएंगे, आप अपना इंतजाम कर लो। उसने सिर्फ धीरे से इतना ही कहा, भाभी आप मुझे ही मकान बेच दो। उसके इतना कहते ही माहौल में एकदम चुप्पी छा गई। दूसरे ही दिन वो नौकरी पर लौट आया, पर इस बार उसके बीवी बच्चे साथ थे। वो ठगा सा खड़ा जिंदगी को देख रहा था। क्या है उसके पास? 14 साल तक उसने जो कमाया, सारी जमा पूंजी तो माँ के हाथ में रख दी थी। अब उसे नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। वो सोच रहा था कि कहाँ गलत है वो, क्या माँ की ममता ऐसी होती है? उसने तो बेटे का फर्ज निभाने में कोई कसर ना छोड़ी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, माँ की ममता कभी भी
निर्मम नहीं हो सकती। माता कभी भी कुमाता नहीं होती। औलाद का दर्द सिर्फ उसकी माँ ही समझ सकती है। माँ मुझसे पहले राज की माँ है। माँ सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। ये सोचते सोचते अचानक से ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बरबस ही उसके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान कुछ देना ना देना, पर जीवन में माँ का प्यार और साथ जरूर देना। काश मेरी भी माँ होती।